सीवान में पुलिस को न्यायालय कर्मी राकेश कुमार उर्फ गोल्डन पासवान हत्याकांड में बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने हत्याकांड में शामिल दो अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। हत्याकांड में प्रयुक्त एक मोबाइल भी बरामद किया गया है। सीवान के इस चर्चित हत्याकांड को लेकर केंद्र के मंत्री सहित बिहार के कई मंत्रियों का पीड़ित परिजनों से मुलाकात का दौर जारी था। ऐसे में सीवान पुलिस को बड़ी चुनौती थी। वहीं पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। 19 जून को गोल्डन पासवान की गोली मारकर हत्या की गई थी। ठेकेदार मुन्ना चौधरी ने इन अपराधियों को सुपारी देकर गोल्डन पासवान की हत्या कराई थी। हालांकि पुलिस ने घटना के दिन ही मुन्ना चौधरी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस घटना का शूटर जितेंद्र उर्फ जिमी फरार चल रहा है। इसकी जानकारी सिवान सदर SDPO अजय कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता कर दी है। SDPO ने बताया कि बीते 19 जून को न्यायालय कर्मी राकेश कुमार उर्फ गोल्डन पासवान जब अपनी बहन को परीक्षा दिलाने गया हुआ था, जब वह बाइक से वापस लौट रहा था, इसी दौरान बेखौफ अपराधियों ने गोल्डन को गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसको लेकर परिजनों ने कहा था कि जमीनी विवाद को लेकर मुन्ना चौधरी के द्वारा हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। इसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी मुन्ना चौधरी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वहीं सिवान SP के द्वारा एक टीम का गठन किया गया। टीम ने कई स्थानों पर CCTV फुटेज जांच किया और करीब 280 लोगों से पूछताछ की। इस दौरान एक युवक घटना के दिन संदिग्ध पाया गया, जिसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो पता चला कि यह घटना के दिन लाइनर का काम कर रहा था। वहीं घटना में वह अपनी संलिप्तता स्वीकार कर लिया। इसके निशानदेही पर उसके एक सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार युवक घटना के दिन शूटर को बुलेट पर बैठा कर लेकर गया था, जिसके बाद शूटर जिमी ने गोल्डन की गोली मारकर हत्या कर दी थी। वहीं घटना का शूटर जितेंद्र उर्फ जिमी फरार चल रहा है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। जिमी पेशवर अपराधी है। उस पर मुफस्सिल थाना में आर्म्स एक्ट सहित दर्जनों कांड दर्ज हैं। गिरफ्तार अपराधियों ने बताया कि ठेकेदार मुन्ना चौधरी ने हत्या करने के लिए रुपये दिए थे, जिसके बाद इन लोगों ने घटना को अंजाम दिया है। गिरफ्तार अपराधियों की पहचान सिवान जिले के हुसैनगंज थाना के पकवलिया निवासी धर्मेंद्र यादव के पुत्र सौरभ कुमार उर्फ कल्लू और मुफस्सिल थाना के श्रीनगर निवासी लक्ष्मण चौधरी के पुत्र अनिल कुमार के रूप में हुई है। वहीं हत्याकांड का शूटर हुसैनगंज थाना के पकवलिया निवासी शारदानंद यादव का पुत्र जितेंद्र उर्फ जिमी फरार चल रहा है। दिनांक 19/6/24 को अमलोरी गोपालगंज छपरा बाईपास रोड में कोर्ट कर्मचारी गोल्डन उर्फ राकेश की हत्या अपराध कर्मियों द्वारा कर दी गई थी। जिस संदर्भ में मृतक के भाई अजय कुमार के द्वारा मुफस्सिल थाना में 3 प्राथमिकी अभियुक्त एवं मान्य अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जिसमें घटना के उपरांत इस कांड के उद्भेदन हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक टीम का गठन किया गया और उस टीम के द्वारा घटना के जो घटना स्थल एवं उसके आसपास के जगह का CCTV फुटेज निकाली गई, जिसमें एक व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में जिस समय गोल्डन उर्फ राकेश अपनी बहन को BEd अमलोरी कॉलेज में छोड़ के जा रहे हैं, वह व्यक्ति फोन करके किसी को कुछ सूचना देने दे रहा है और इनके जाने के तुरंत बाद स्वयं वहां से हट जा रहा है। उस संदिग्ध व्यक्ति के सत्यापन के लिए पुलिस टीम के द्वारा SP साहब के निर्देश पर 280 व्यक्तियों का सत्यापन एवं पूछताछ की गई, जिसमें एक संदिग्ध व्यक्ति जो बात कर रहा है उसको पुलिस किसी तरह से पकड़ने में सफल हुई, जो अपना नाम सौरभ कुमार पकवलिया का रहने वाला है और वह अपराध को स्वीकार करते हुए अपने अन्य सहयोगियों का नाम बताया, जो उसी के गांव के जितेंद्र यादव उर्फ जिमी यादव हैं, जो पूर्व के पेशेवर अपराधी रहे हैं। उनके खिलाफ मुफस्सिल थाना में एक मर्डर का और एक 307 जो मर्डर का प्रयास फायर आर्म्स के द्वारा गोली चलाकर करने का दर्ज है। जिमी के साथ में जितेंद्र यादव उर्फ जिमी और एक अनिल जो श्रीनगर मुफस्सिल का अपराधी है, जो अनिल पुलिस के गिरफ्त में है और अभी पकड़ाया है, अनिल भी अपना अपराध स्वीकार करते हुए स्पष्ट बताया कि जिमी अपना बुलेट मोटरसाइकिल इसको दिया कि तुम चलाओ, हम पीछे बैठेंगे, और जिस समय सूचना उसको मिली, जो सौरभ उसको सूचना दिया, तो सौरभ की सूचना पर जिमी और अनिल मोटरसाइकिल चला रहा था और जिमी पीछे बैठा हुआ था। वह पिस्टल से गोल्डन उर्फ राकेश को
जान मारने के लिए ही गोली फायर किया, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद ये लोग वहाँ से भाग गए। जिमी के द्वारा अनिल को यह बातचीत के क्रम में बताया गया है कि मुन्ना चौधरी जो इस कांड के प्राथमिकी अभियुक्त हैं, जेल में हैं, वे ठेकेदार हैं और उन्हीं के द्वारा जिमी को तय किया गया है, जो जिमी के पकड़ाने के बाद और स्पष्ट हो जाएगा। विवाद क्या चीज़ का है सर? इसमें एक पेशेवर, अब तो आपको क्लियर, अनिल अपने बयान में यह बताया है कि जिमी पूछताछ के जिमी से बातचीत में अनिल को यह बताया गया जिमी के द्वारा कि मुन्ना चौधरी ही इसको, क्योंकि एक पेशेवर पैसा लेके गोली चलाता है। अब तो जिमी के पकड़ाने के बाद ऐसे तो अनिल बताया है, संकेत दिया है। अभी जो गिरफ्तारी हुई सर, कहाँ से हुई है? अभी की गिरफ्तारी हुई है और कहाँ से हुई है, क्या हुई है, यह अनुसंधान कर